हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू के डीआईवाई सेक्शन में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है आर्डिनो बेस्ड ऑटोमेटिक लिक्विड डिस्पेंसर प्रोजेक्ट का, जो कि electronicsforyou.com पे पब्लिश हो चुका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आप भी ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं electronicsforyou.com पे इसके ब्लॉग को फॉलो करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक सीमित मात्रा में किसी भी तरह के लिक्विड को ऑटोमेटिकली निकालने की सेटिंग कर सकते हैं। लिक्विड किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि पानी, फ्यूल इत्यादि। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पानी या किसी भी तरह के अन्य लिक्विड को बर्बाद होने से बचाना। अगर इस प्रोजेक्ट में पेमेंट गेटवे लगा दिया जाए तो गैस स्टेशन पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बिना किसी स्टाफ की मौजूदगी के आप आवश्यकता अनुसार फ्यूल ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक RFID रीडर का इस्तेमाल करता है RFID कार्ड को रीड करने के लिए और एक सीमित मात्रा में लिक्विड को डिस्पेंस करने के लिए, जो कि आर्डिनो कोड में सेट किया गया है। इसकी कोडिंग आर्डिनो IDE पर की गई है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं वो है आर्डिनो ऊनो बोर्ड, जिसपे की कोड रन करेगा, RFID टैग्स, जिसे कि हम अपनी लिक्विड की सीमित मात्राओं को स्टोर करेंगे, एक EM18 RFID रीडर मॉड्यूल, जो कि RFID टैग्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होगा, एक सोलेनोइड वॉल्व 24 वोल्ट DC, जो कि डिस्पेंसर के खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक 5 वोल्ट का रिले, जो कि डिस्पेंसर के लिए एक स्विच की तरह काम करेगा और पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करेगा, एक 220 वोल्ट AC वाटर पंप, जिससे हमें पानी मिलेगा, और एक 12 वोल्ट DC पावर अडाप्टर पूरे सिस्टम को पावर देगा। चलिए इस प्रोजेक्ट का डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। इस डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया है। ये बहुत से RFID कार्ड्स हैं जिसमें पानी की अलग अलग क्वांटिटी स्टोर्ड है। ये सोलेनोइड वॉल्व है जो कि वाटर टैप पे लगाया हुआ है, और ये कूलर पंप है जो कि पानी की बाल्टी के अंदर है। इस कार्ड के लिए मैंने 1 लीटर पानी सेट किया हुआ है आर्डिनो कोड में। ये 1 लीटर की खाली बोतल है। अब मैंने RFID कार्ड को RFID रीडर पर रखा है और पानी अपने आप टैप से बाहर आने लगा। ये टैप अपने आप ही बंद हो जाएगा जब 1 लीटर पूरा पानी निकल जाएगा। इस तरह से आप कोई भी RFID टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे कि कोई और पानी की क्वांटिटी सेट है। क्या आप अपना खुद का एक ऑटोमेटिक लिक्विड डिस्पेंसर बनाना चाहेंगे? तो क्लिक करें लिंक पे, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस पे जाके आप इस प्रोजेक्ट को स्टेप वाइज देख सकते हैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे DIY प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।